अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं वीक 11 का सिलेबस डिस्कस करूंगी आपके साथ, क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहले प्रेशर। प्रेशर की डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया पे जब कोई फोर्स एग्जर्ट होती है, कोई फोर्स लगती है, उसको जो फोर्स लगती है उसको हम प्रेशर कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है When water flows out of a tap with greater speed, we say that water is flowing with high pressure. जब हम कोई टूटी खोलते हैं उसमें से जब पानी आता है तो जितनी ज्यादा हम टूटी खोलेंगे जितना उसका ज्यादा प्रेशर रहेगा, जब हम उसके नीचे हाथ रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रेशर ज्यादा है। और अगर हम टूटी कम करेंगे तो पानी कम आएगा थोड़ा और प्रेशर कम होगा, उससे हमें पता चलेगा कि प्रेशर ज्यादा है और प्रेशर कम है, वो जो फोर्स हमारे हाथ पे लगेगी वो होगा प्रेशर। इसकी मैथमेटिकल ये प्रेशर, इसका फार्मूला इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं और फोर्स को एफ से और एरिया को ए से। इसके बाद प्रेशर का यूनिट, प्रेशर का यूनिट है न्यूटन मीटर पर सेकंड और पास्कल, दोनों न्यूटन मीटर पर सेकंड भी हो सकता है और पास्कल भी हो सकता है। इसके बाद ये पी इज इक्वल टू एफ ए, ये फार्मूला है इसका। इसके बाद फ्रॉम दिस रिलेशन इट कैन बी सीन दैट व्हेन सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट एरियाज द स्मॉलर एरिया विल एक्सपीरियंस हाई प्रेशर और द लार्जर एरिया विल एक्सपीरियंस लो प्रेशर। इसका मतलब है कि फोर्स हम डिफरेंट एरियाज पे फोर्स लगाएंगे तो जो एरिया छोटा होगा यानी जो स्मॉल एरिया होगा उस पर प्रेशर ज्यादा होगा और जो लार्जर एरिया होगा उस पर प्रेशर थोड़ा होगा। और उसी तरह जब डिफरेंट फोर्सेज सेम एरिया पे एक्ट करेंगी तो जब ज्यादा फोर्स हम लगाएंगे तो प्रेशर भी ज्यादा होगा और जब हम थोड़ी फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर कम। फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन है फोर्स मूव्स आर टेंस टू मूव स्टॉप्स आर टेंस टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। यानी फोर्स कोई स्ट्रेंथ है या पुश या पुल करें आप किसी चीज को, जैसे एक बॉल पड़ा है उसको आप हिलाएंगे, हाथ लगाएंगे या पाँव लगाएंगे तो वो हिलेगा, आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉल हिलेगा, और जब वो बॉल हिल रहा होगा तो भी आप उसके आगे हाथ या पाँव रखेंगे तो बॉल रुक जाएगा। ये है कि आप किसी चीज पर फोर्स लगाएंगे, उसको पुश करेंगे या पुल करेंगे तो वो मोशन में आ जाएगी, अगर मोशन में होगी तो वो रेस्ट पे हो जाएगी, रेस्ट पे आएगी, यानी मोशन में वो चलना शुरू हो जाएगी और अगर वो चल रही होगी तो वो रुक जाएगी। ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। उसके बाद हमारे पास है एरिया। एरिया है, एरिया की डेफिनेशन द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज कॉल्ड एरिया। लेंथ और ब्रेथ का जो प्रोडक्ट है यानी कि ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी, ये जो बॉक्स है इसकी ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, तो ये पूरा मिला के इसका एरिया हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। डेफिनेशन है फोर्स की, एरिया की और प्रेशर की, ये तीनों आपको बता दिए, आपने याद करने, तीनों साथ इनके फार्मूलाज भी हैं तीनों के और इनके यूनिट।